हेलो एवरीवन, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है आपकी, जो आपका टाइटल है, मेन जैसा कि आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें, अंग्रेज़ी की किताब पढ़ना कैसे सीखें, ठीक है, उसी के अंतर्गत आज आपकी 3 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अपना बेस मजबूत करना है, बुक रीडिंग आपको सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, जाइए कहीं नहीं, यहीं पर रुके रहिए और पूरी क्लास को अटेंड करिए। जितनी भी वीडियोस गई हैं इससे रिलेटेड, इनको ज़रूर देखिए, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को भी। ठीक है, सेकंड वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, उसमें अच्छे थोड़ा सा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखाया है। ठीक है, इसी प्रकार इस वीडियो को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यदि आपसे अंग्रेज़ी की जो है इंग्लिश की बुक रीडिंग नहीं आती है, तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइमिंग आपका नहीं लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जो 8th क्लास के NCERT के बच्चे हैं, ठीक है, उनके ये प्रश्न उत्तर भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं। ठीक है, 8th क्लास के, तो और अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों से ऑल ओवर देखा जाए तो इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, उनके लिए परफेक्ट क्लास है। मेन पर्पस वही था कि जिन बच्चों से इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, उनके लिए परफेक्ट क्लास बनाना है। ठीक है, और बन रही है धीरे धीरे, हमें ऐसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लेसन 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर, कृतघ्न जौहरी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, यहाँ पे लिखा हुआ आपका व्हेन कुड, CUD, कुड द वुड कटर, इसकी मीनिंग देख लीजिए, WOOTCUTTER, वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। ठीक है, यहाँ पे इसका मेन सेंस क्या निकल के आएगा आपको पूरा, कि बोला गया है कि लकड़हारा कब पैसे नहीं कमा पाता था, लकड़हारा कब पैसे नहीं कमा पाया या पाता था। ठीक है, तो उसका आंसर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी, ठीक है, अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी की मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे, RAINYSEASON, ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लकड़हारा बरसात के मौसम में कोई पैसे नहीं कमा पाता था। ठीक है, जब बरसात का मौसम आता था तब वो क्या करता था, पैसा नहीं कमा पाता था, ये क्वेश्चन का सेंस निकल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग DURING ड्यूरिंग द रेनी सीजन, SEASON सीजन। ठीक है, इस प्रकार हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा, इसको प्रोनंसिएट किया, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान से सुनिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा कि बार बार सर इसको क्या बोल रहे हैं, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, ट्रैप्ड की मीनिंग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें टफ है, TRAPPED, ट्रैप्ड। ठीक है, तो हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, ठीक है, तो सेंस क्या निकल के आ रहा, कुएं में कौन फंसे हुए थे, ट्रैप्ड मीन्स फंसना। ठीक है, कुएं में कौन फंसे हुए थे, ये हमारा क्या है क्वेश्चन।
आ टाइगर, आ मंकी, आ स्नेक एंड आ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। वेल पढ़ेंगे ठीक है। आ टाइगर, आ मंकी, आ स्नेक एंड आ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। तो सेंस क्या निकल के आएगा कि एक बार बंदर, सांप और जौहरी कुएं में फंसे हुए थे। तो फिर से देखते हैं पूरा क्वेश्चन ठीक है। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। आ टाइगर, आ मंकी, आ स्नेक एंड आ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। तो हाउ डिड द टाइगर, टी आई जी ई आई, ये तो मीनिंग नॉर्मल्स होगी, आपसे बन जाएंगी। द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। ठीक है, यहाँ पे सेंस निकल के क्या आ गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाघ, बंदर और सांप ने लकड़हारे की कैसे मदद की। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ठीक है। द टाइगर वंस गेव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स द मंकी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो पहले इसको समझ लेते हैं। ऑर्नामेंट्स, ओ आर एन ए एम ई एन टी एस, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, इसको ऑर्नामेंट्स पढ़ेंगे ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो द टाइगर वंस गिव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स द मंकी। गिव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। और देखते हैं फिर से। गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री, एच यू एन जी आर वाई, एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, पी आर आई एस ओ एन, प्रिजन हो जाएगा ठीक है आपका। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऑल ओवर, इसका मतलब कि बाघ ने एक दिन लकड़हारे को सोने के आभूषण दिए, बंदर ने उसे मीठे फल दिए जब वह बहुत भूखा था, और सांप ने उसे जेल से निकलवाने में मदद की। ये ऑल ओवर इसका क्या निकल के आ रहा है, हिंदी मतलब ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। अब तो नॉर्मल हो गया होगा, वुड कटर की मीनिंग आपको आने लगी होगी, प्रिजन की भी मीनिंग आने लगी होगी, कई बार ये रिपीट्स हुए हैं वर्ड्स ठीक है। तो वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रिजन। तो लकड़हारे को जेल में क्यों डाला गया, लकड़हारे को जेल में क्यों डाला गया, ये बोला गया है ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा। द वुड कटर वॉज पुट इन द प्रिजन बिकॉज पी ई सी ए यू एस ई बिकॉज द ऑर्नामेंट्स ओ आर एन ए एम ई एन टी एस ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ornaments of the queen, so thinking him t h i n k i n g thinking him to be the thief t h i e f thief, he was arrested a double r e s t a d arrested। ठीक है, तो पूरा देखते हैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से। The woodcutter was put in the prison because the ornaments which the tiger gave were the lost ornaments of the queen. So
थिंकिंग हिम टू बी द थीव ही वॉज अरेस्टेड। इसका ऑल ओवर हिंदी मतलब क्या निकल के आएगा आपका, कि लकड़हारे को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि जो सोने की के आभूषण उसे बाघ ने दिए थे वे रानी के थे, और लकड़हारे को चोर मानते हुए कैद कर लिया गया। ठीक है, उसने क्या किया था, जो आभूषण दिया था तो वो रानी के थे। ठीक है, तो उनको क्या सोचा गया कि चोर हैं, ये खुद चुरा के लाया, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही, जिसको नीड है थोड़ा सा शर्माइए मत, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे और थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हेल्प करना भी सीखिए, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप भी किसी की मदद करना सीखिए। ठीक है, तो वॉट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर, वॉट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर। ठीक है, इसका हिंदी मतलब निकल के आपका क्या आएगा, कि सांप ने लकड़हारे की मदद करने के लिए क्या किया। स्नेक बिट द क्वीन ऑन हर फोरहेड, फोरहेड FOREHEAD forehead, such that she could not recover 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 unless UNLEWS unless। ठीक है, the woodcutter touched touched her forehead 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 with WITH। ठीक है, his axe thus the wood cutter, क्या लिखा हुआ है, wood cutter gained, क्या लिखा है, gained। ठीक है, प्राप्त करना एक प्रकार से होता है, gain means प्राप्त करना, king's favor and was freed, king's favor and was फ्रेड KINGS फेवर FAVOUR फेवर एंड वॉज फ्रेड FRED फ्रेड। स्नेक विट द क्वीन ऑन हर फोरहेड सच दैट सी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुड कटर टच्ड हर फोरहेड विद हिज एक्स, thus the woodcutter gained king's favor and was freed, क्या हो जाएगा, freed। तो सांप ने रानी के माथे पर इस तरह काटा कि वह लकड़हारे के उसके माथे को कुल्हाड़ी से छूने मात्र से ही ठीक हो सकती थी। इस तरह लकड़हारे ने राजा का विश्वास जीत लिया और उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, सांप ने ऐसा जुआर लगाया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ से आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लास्ट में पहुँचते हैं। इसके बाद जस्ट आपकी वर्ड मीनिंग्स होंगी जो बहुत ही वेयर ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तेज़ी से सीखना है और नॉर्मल बातों पे भी अगर किसी कोई जैसे इंग्लिश से बात कर रहा है कैसे समझना, तो वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उनको ज़रूर देखिए, चाहे वो आपकी किसी की हो, चाहे ग्रामर या किसी की भी क्लास हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वॉट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड, एंड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, वॉट हैपन HAPPENED हैपेंड टू द ज्वेलर। ठीक है, JEWELER ज्वेलर इन द एंड। ठीक है, तो अंत में जौहरी को क्या हुआ, बोला गया है कि अंत में जौहरी को क्या हुआ, पूछा गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। द अनग्रेटफुल UNGRATEFUL अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच
MUCH much ashamed, ASHAMED ashamed of his act in the end. तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं. What happened to the jeweler in the end? The ungrateful jeweler was very much 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 ashamed of his act in the end. तो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब निकल के आएगा कि कृतज्ञ जौहरी अंत में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ. कृतज्ञ जौहरी अंत में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ, ये आपका सेंस निकल के आ रहा. ठीक है, यहाँ पे हमने कई सारे टॉपिक्स देखे और उनको पढ़ने का प्रयास किया और सीखे अच्छे तरीके से. ठीक है, इसी प्रकार जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जितनी भी वीडियो आ रही है उनको ज़रूर देखिए. ठीक है, सीखने का प्रयास करिए. ठीक है, जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको क्लियर करते जाइए, उनको याद करते जाइए कि अनग्रेटफुल अगर वर्ड आ गया है तो अनग्रेटफुल की मीनिंग क्या होगी. अगर दोबारा सर पढ़ाते भी हैं, क्लास भी ऐसा वर्ड आ जाता है किसी भी टॉपिक में, तो हमसे बनना चाहिए. क्या होना चाहिए? बनना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि फिर आपको फिर से सोचना पड़े कि अनग्रेटफुल लिखा है कि क्या लिखा है. ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं, क्योंकि फर्स्ट बार में इन चीज़ों को रिवीजन करते जाइए कि नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, इनको लिखिए थोड़ा सा. डजेंट मैटर आप किस क्लास से हैं, चाहे आप कॉलेज के हों, चाहे आप स्कूल के हों, चाहे आप छोटे बच्चे हों, कोई किसी भी क्लास में हों. ठीक है, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको पढ़ने का बार बार प्रयास करिए. अब डेली एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए. अगर आपके समझ में नहीं आता है, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, पढ़ नहीं पाते हैं किताब, तो आप प्रयास करिए कि एक दिन में एक बार हर एक मतलब कि 30 मिनट्स आप प्रॉपर बना लीजिए कि हमें 30 मिनट्स क्या करना है कि सर की वीडियो देखनी ही देखनी है. ठीक है, इससे क्या होगा, आप डेली बेस पे जब देखेंगे ना तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ हमने अप्लाई किया है ऑफलाइन में और बहुत गजब का रिजल्ट आया है. आप उस चीज़ को बिलीव करिए. ठीक है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा. तो चलिए देखते हैं लास्ट जो हमारी वर्ड मीनिंग्स बची हुई है. सेवरल, सेवरल, सेवरल मीन्स होता है अनेक, एस ई वी ई आर ए एल. ठीक है, अनेक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेवरल. अक्रॉस, एस सी आर ओ डबल एस, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, आर पार के सेंस में हम अक्रॉस वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, ज्वेलर, ये ज्वेलर है, जा है. ठीक है, जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर, ज्वेलर, 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 ज्वेलर मीन्स होता है जौहरी, सोनार. ठीक है, जौहरी, जौहरी. ट्रैप, ट्रैप, टी आर ए पी, ट्रैप मीन्स होता है फंसना, फंसना, फंसना. ठीक है, कोई भी काम करके उसमें फंसना वो ट्रैप कहलाता है, गलत काम करके फंसना ट्रैप. प्लेजर, पी एल ई ए एस यू आर ई, प्लेजर मीन्स होता है आनंद, आनंद वर्ड के लिए हम प्लेजर शब्द का यूज़ करेंगे. ठीक है, प्लेजर मीन्स आनंद. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ठीक है, ई एक्स एच ए यू एस टी ई डी, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ. क्या होता है आपका, थका हुआ. ठीक है, तो एग्जॉस्टेड पढ़ेंगे इसको, एग, एग जॉस्टेड, एग जॉस्टेड. ठीक है, थका हुआ. कंटेंट, सी ओ एन टी ई एन टी, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि, संतुष्टि. ठीक है, संतुष्टि रिलेट कर पा रहे हैं ना, कोई काम को करने पे जो आपको अंतरात्मा से संतुष्टि मिले कंटेंट कहलाता है. ठीक है, अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, यू एन जी आर ए टी ई एफ यू एल, अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीन्स होता है एहसान फरामोश, एहसान फरामोश. फोरहेड, फोरहेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, फोरहेड मीन्स होता है मस्तक. ठीक है, जैसा कि रानी के मस्तक पे सांप ने काट दिया था. फेवर, या फे वी ओ यू आर, फेवर मीन्स होता है अनुग्रह या पच, अनुग्रह या पच, फेवर. ठीक है, लूम्ड, एल डबल ओ एम ई डी, लूम्ड मीन्स होता है छा गया, छा गया, तो लूम्ड वर्ड यूज़ करेंगे. रिलीज, आर ई एल ई ए एस ई, रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, किसी को मुक्त करना, रिलीज वर्ड का हम यूज़ करेंगे. ठीक है, सेवियर, सेवियर, एस ए वी आई ओ यू आर, या से वी आई ओ यू आर,
सेवियर, सेवियर मिस होता है बसाने वाला, सेवियर मिस क्या होता है बचाने वाला। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी क्लास जो है द एंड हो चुकी है। ठीक है, कई वर्ड्स आज हमने न्यू देखे हैं, तो इनको सीखने का प्रयास करिएगा, बार बार थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको बेस बेहतर हो जाए। घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना है आप किसी भी क्लास में हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में होने के बाद भी बच्चों से सही तरीके से बुक रीडिंग नहीं आती है, तो आप परेशान मत होइए। जहाँ तक ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा जब तक आपको नीड होगी। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जैसा कि मैंने बताया जैसे आपको नीड है वैसे कई बच्चे हैं, तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए। ठीक है, और जितनी भी ग्रामर की आपकी वीडियोज़ आ रही हैं उनको ज़रूर देखिए और अपने बेस को बेहतर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।